हाय डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ रहे हैं सर्विंग, और सर्विंग में लेवलिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ रहे हैं, और उसमें हम स्टार्ट करने वाले लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ किस किस तरीके का होता है और उस तरीके को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वो कैसा लेवलिंग स्टाफ दिखता है, वो सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी फ्रेंड इसको देख रहे हैं वो और भी फ्रेंड को शेयर करें, बहुत सारे सोशल मीडिया वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं कि ताकि आपके बहुत सारे मित्र हैं वो भी यहाँ इससे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ आर स्केल, स्केल टाइप का होता है, ऑन विच दीज डिस्टेंस आर मेजर, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ आर टू टाइप होते हैं, देखो, सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है और टारगेट स्टाफ होता है। सेल्फ रीडिंग और टारगेट स्टाफ होता है। सेल्फ रीडिंग में कैसा होता है कि सेल्फ रीडिंग में मतलब ये इस तरह से खुद ही रीडिंग लेने होते हैं, और एक होता है टारगेट, जो मतलब वहाँ पे उस तरीके से ऑब्जर्व करके और रीडिंग यहाँ पे डायरेक्ट बता देता है, वो होता है। तो सेल्फ रीडिंग में देख सकते हैं ये 4 मीटर का होता है। क्या क्या होता है, द सेल्फ रीडिंग स्टाफ कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में देख के और इसकी रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ सेल्फ रीडिंग होती है ऑर्डनरी स्टाफ होता है, सॉफ्ट विद टेलीस्कोप स्टाफ होता है, फोल्डिंग स्टाफ होते हैं, तरीके के स्टाफ होते हैं। तो टारगेट स्टाफ देख लेते हैं, टारगेट स्टाफ का होता है, फॉर एवरी प्रिसाइज वर्क एंड साइट टारगेट स्टाफ आर यूज, हाउ मूवेबल टारगेट इज प्रोवाइडेड इन दिस स्टाफ, हाउ वर्नियर इज प्रोवाइडेड ऑन टारगेट टू की प्रिसाइज रीडिंग इन टारगेट स्टाफ लेवल मैन डायरेक्ट द स्टाफ मैन टू मूव द टारगेट अप एंड डाउन अंटिल द बाइसेक्ट बाय द लाइन ऑफ साइट, द स्टाफ मैन ऑब्जर्व द स्टाफ रीडिंग, स्टाफ मैन स्टाफ रीडिंग नोट डाउन कर लेता है, इस तरीके का होता है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद से आ जाते हैं बेंचमार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दिखाएंगे भी आपको कि कैसे कैसे बेंचमार्क इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे बेंचमार्क में आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क इज ए पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन, इसे एलिवेशन हमें पता चल गई। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 काइंड ऑफ बेंचमार्क। पहला होता है GTS, जिसको बोला जाता है ग्रेट टिक्नोमेट्रिकली सर्वे बेंचमार्क, GTS होता है। परमानेंट बेंचमार्क होता है, आर्बिट्रेटरी बेंचमार्क और टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। ये 4 टाइप के बेंचमार्क होते हैं, और आगे इसको देख लेते हैं कि GTS क्या होता है, परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है, आर्बिट्रेटरी बेंचमार्क क्या होता है और टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है। तो पहला है GTS बेंचमार्क। तो GTS बेंचमार्क किस तरीके का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। GTS बेंचमार्क, दे आर द बेंचमार्क एस्टेब्लिश विथ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन एट रेगुलर इंटरवल बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑल ओवर द कंट्री, देयर पोजिशन एंड RL वैल्यू एवो मीन सी लेवल एट कराची आर गिवेन इन द कैटालॉग फॉर्म बाय द डिपार्टमेंट। जैसे मीन सी लेवल यहाँ से देखिए, इस तरीके से लेवल लेकर लिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। परमानेंट बेंच मार्क कैसा होता है, इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट बेंच मार्क इस तरीके से बना रहता है। और परमानेंट बेंच मार्क होता क्या है, परमानेंट बेंच मार्क आर फिक्स इन बिटवीन GTS बेंच मार्क बाय गवर्नमेंट एजेंसी सच एज ए रेलवे एजेंसी है, PWD है, तो ये सब ये परमानेंट बेंच मार्क लगाते हैं। दिस बेंच मार्क आर रिटन ऑन द परमानेंट ऑब्जेक्ट सच एज माइल स्टोन कलवर्ट ब्रिजेस etc, देयर वैल्यू आर क्लियरली रिटन एंड देयर पोजिशन आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसके जो भी पोजिशन होते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आते हैं। और ये किसके किसके पास होता है, रेलवे होती है, रेलवे एजेंसी होती है, PWD होता है, इन लोग के पास होता है ये। और कहाँ से लिया जाता है, GTS, जो GTS 2 पॉइंट हो गए उनके बीच से रेफरेंस लेके ये परमानेंट बेंचमार्क दिया जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बेंचमार्क दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से जाता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है, दीज आर रेफरेंस पॉइंट हुज RL आर्बिट्रेरी एच्यूम, जैसे कि RL को एज्यूम कर सकें, दे आर यूज इन स्मॉल वर्क सच एज बेंच मार्क में भी एज्यूम एज ए 100 और 50 मीटर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग होता है, ठीक है, इसको आर्बिट्रेरी बोला जाता है। टेम्परेरी बेंच मार्क क्या होता है, दे आर द रेफरेंस पॉइंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑपरेशन वैन देयर इज ए ब्रेक और इन्वॉल्व, मतलब वर्क में ब्रेक करना है, रोकना है, तो उसकी जगह पर जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, टेम्परेरी बेंच मार्क हो जाता है। When there is a break in work, जब भी मतलब हम काम लेवलिंग ले रहे हैं उसमें ब्रेक जरूरत हो, तो जो पॉइंट का हमने पहले लिया वो हमारा FS हो गया, उसके बाद से जब दूसरी जगह हम फिक्स करेंगे तो वो FS जहाँ से लिया वो पॉइंट हमारे लिए टेम्परेरी बेंच मार्क हो गया, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है।
और एट द एंड ऑफ द वर्क एट द वैल्यू ऑफ द रिड्यूस लेवल आर मार्क एंड सम परमानेंट ऑब्जेक्ट एज सच एज स्टोन ट्री, वहाँ से हम एक पॉइंट पे एफएस करके छोड़ देते हैं। टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट में हम क्या करने वाले हैं, तो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट सेटिंग ऑफ लेवल, लेवल को सेट करने के लिए, लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप के लिए, फोकसिंग ऑफ द आईपीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास को फोकस करने के लिए किया जाता है। तो सेटिंग ऑफ लेवल को देख लेते हैं कि कैसे इसको सेटिंग ऑफ लेवल करते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या सेटिंग ऑफ लेवल में क्या इंक्लूड होता है, पहला तो फिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड पे सबसे पहले तो फिक्स करना होता है, दूसरा लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रोक्सीमेटली बाय ट्राइपॉड, मतलब ट्राइपॉड को के द्वारा इस प्रकार से लेवल कर लेंगे कि ताकि अप्रोक्सीमेट लेवल लगे। अब लेवलिंग या लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू, लेवलिंग जो होता है वो फुट स्क्रू के हेल्प होता है। द पर्पज ऑफ लेवलिंग इज टू मेक वर्टिकल एक्सिस टोली वर्टिकल, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू से ये डन होता है। प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू ए पेयर ऑफ फुट स्क्रू, मतलब क्या करना है, प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू पेयर ऑफ फुट स्क्रू, मतलब दो फुट स्क्रू के सामने टेलीस्कोप को पैरेलल करना है और इसको होल्ड कर देना है। फिर फुट स्क्रू को बिटवीन थंब एंड फर्स्ट फिंगर एंड टर्न देम आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, उसको क्या करना है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ मूव करना है या तो बाहर की तरफ मूव करना है, और बबल्स को चेक करना है, जो लॉन्जिट्यूडनल बबल है उसको चेक करना है, क्या करना है, उसको सेंटर में लाना है। ठीक है, बबल्स जो होता है उसको सेंटर में लाना है। सबसे पहले क्या मैंने बताया कि आपको जो आपका टेलीस्कोप है उसको पैरलर करना है, किसके, दो फुट स्क्रू के पैरलर कर दिया, उसके बाद से फुट स्क्रू को आपने अंदर की तरफ मूव करना है या तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों को अंदर की तरफ या दोनों को बाहर की तरफ, मतलब दोनों को या तो, दोनों को अगर अंदर की तरफ कर रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों को बाहर अगर मूव कर दे तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। तो इस तरीके से हमें बबल्स को सेंटर में लाने होते हैं। जब ये सेंटर में आ जाता है तो हमें क्या करना है, जो टेलीस्कोप है उसको 90 डिग्री में मूव करने के बाद से फिर वो जो तीसरा स्क्रू बच जाता है, क्योंकि इसमें तीन फुट स्क्रू होते हैं, तीसरा जो फुट स्क्रू बच जाता है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके और सेंटर में लाना होता है। जैसे ये सेंटर में ला जाते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लेवल हो जाता है। फिर उसके बाद से आ जाता है फोकसिंग द आई पीस। फोकसिंग द आई पीस में क्या बोला, टू फोकस द आई पीस होल्ड अ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास जो है वहाँ पर वाइट पेपर लगा के और होल्ड करके और उसके एंड मूव द आई पीस इन और आउट टिल द क्रॉस हेयर आर डिस्टिंक्टली सीन, मतलब उसमें जो हेयर दिख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हेयर जब दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका फोकस आई पीस फोकस हो गया। फिर बाद में फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करना है, तो डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू लेवलिंग स्टाफ एंड ऑन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप टर्न द फोकसिंग स्क्रू टिल द इमेज अपीयर क्लियर एंड शार्प। ठीक है, इस तरह से क्लियर और शार्प करके फिर बाद में रीडिंग नोट आउट किया जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग लेने के लिए जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं तो वो कौन कौन से हैं, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, चेक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और हाइपरसोमेट्रिक लेवलिंग। ये सारे टाइप्स के लेवलिंग हैं, लेवल करने के तरीके हैं वो अलग अलग। तो देखिए सिंपल लेवलिंग में क्या करते हैं, सिंपल अगर लेवलिंग की अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल लेवल कैसे करते हैं, तो इट इज़ ए सिंपल मेथड यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट का लेवल ऊपर है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल लेवलिंग किया जाता है। एक बीच में पॉइंट इंस्ट्रूमेंट को सेट करके और दोनों पॉइंट का रीडिंग नोट डाउन करके हम बता देंगे कि कौन सा पॉइंट एबो है कौन सा पॉइंट नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है, दिस मेथड यूज टू फाइंड द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन पॉइंट इफ दे आर टू फार, मतलब ज़्यादा दूर हों, पार्ट और द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज टू मच, जैसे आगे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर फ्लाई लेवलिंग देख लेते हैं। फ्लाई लेवलिंग कैसा होता है, फिगर भी आप देख ही रहे हैं। फ्लाई लेवलिंग में क्या है, फ्लाई लेवलिंग इज जस्ट लाइक डिफरेंशियल लेवल, डिफरेंशियल लेवल की तरह ही है, कैरीड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क। इन फ्लाई लेवलिंग ओनली बी एस एंड एफ एस आर टेकन,
इसमें सिर्फ बीएस और एफएस ही होता है। फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है, बीएस होता है और एफएस होता है, और इसकी हेल्प से हम आगे फाइंड आउट कर देते हैं। चेक लेवलिंग की बात कर लेते हैं, दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट द टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, मतलब वर्क में एक्यूरेसी है या नहीं है वो चेक करने के लिए चेक लेवलिंग यूज किया जाता है। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द डे वर्क इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई लेवलिंग टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करके। प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन लेवलिंग क्या होता है, दिस मेथड यूज फॉर टेकिंग लेवल अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट लाइक रोड रेलवे कैनल। द ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड सर्फिस अलॉन्ग द अलाइनमेंट। प्रोफाइल लेवलिंग जिसको एल सेक्शन भी बोला जाता है, इस तरीके से हम ले सकते हैं, इस तरीके से रीडिंग नोट डाउन कर लेते हैं इस तरीके से। फिर आ जाता है क्रॉस सेक्शन, दिस प्रोसेस दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 10, 20, 30, 40 मीटर। द आइडिया इज टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क के एस्टिमेट करने के लिए क्रॉस सेक्शनिंग किया जाता है। प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज। बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रिसाइज लेवलिंग किया जाता है। इट इज कैरी आउट द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूजिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट, एडवांस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हाई डिग्री एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में क्या होता है, इस मेथड को वर्टिकल डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है, ऑब्जर्विंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल बिटवीन टू पॉइंट। बायोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है कि इन दिस मेथड द एल्टीट्यूड डिफरेंस इन डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। और हाइपोसोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, द वर्किंग ऑफ हाइपोसोमेट्रिक फॉर डिटरमाइन द एलिवेशन डिपेंड अपॉन द फैक्ट डैट द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स वेरीज विद द एटमोस्फेरिक प्रेशर। द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस एट हायर एल्टीट्यूड, दस नोइंग द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेट एंड नोइंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड और एलिवेशन कैन बी डिटरमाइंड, तरीके से मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद से आ जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे किए करते हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। फिर बाद में मेथड ऑफ रिड्यूस लेवलिंग, मेथड ऑफ रिड्यूस लेवलिंग के आगे की पॉइंट हम देखेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूस लेवलिंग में कि कैसे उसको रिड्यूस लेवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो मेथड को हम आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।